कार स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंथ यूट्यूब चैनल पे। साथियों, बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो शिक्षक भर्ती कराई है, मतलब 1-5 हो, 6-8 हो, जो शिक्षक भर्ती कराई है, तो हम विशेषकर बात करेंगे 1-5 की। तो जो ये कट ऑफ है इसकी, देखो सबसे बड़ी बात है कि छात्र सबसे पहले ये परेशान थे कि इसका पेपर होगा कि नहीं होगा। देखो पेपर भी समय से हो गया, इसका रिजल्ट भी समय से आ जाएगा और इसकी कट ऑफ भी ज़्यादा नहीं जाएगी। आप जिसने पेपर दिया है उसको मैं बता रहा हूँ। दूसरा, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हवा में तीर छोड़ रहा हूँ। मैं खुद पेपर देने गया था तो 120 में से मेरे कितने मार्क्स अभी बन रहे हैं फिलहाल, ऑफिशियल आंसर की में 4-5 नंबर बढ़ ही जाएंगे, घटेंगे नहीं, मैं आपको बताऊँगा मेरा खुद का स्कोर कितना बन रहा है। दूसरा, इसकी कट ऑफ ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जितनी कट ऑफ बताऊँगा लगभग उसके इर्द गिर्द कट ऑफ रहेगी, ज़्यादा कट ऑफ जाने वाली नहीं है। दूसरा, बीपीएससी का जो कहा है सचिव जी ने, जो उनके अध्यक्ष जी ने, अतुल प्रसाद जी ने, कि जो रिजल्ट है 25 सितंबर तक लगभग आने की कोशिश है और आपको दे दिया जाएगा, तो इसकी ज्वाइनिंग क्या दिसंबर जनवरी तक हो जाएगी? बिल्कुल हो सकती है, अगर इतना फास्ट करेंगे तो इसकी ज्वाइनिंग बहुत जल्द हो सकती है। दूसरा साथियों, एक चीज़ कन्फ्यूज़न है जो दूर कर लो आप अपना, कि लड़कों का जो पेपर था वो हार्ड था, वाकई में हार्ड था, टफ था पेपर। लड़कियों का पेपर मॉडरेट था, क्या नॉर्मलाइजेशन होगा? इसका कोई लेना देना नहीं है, लड़कियां अलग फाइट कर रही थी और लड़के अलग फाइट कर रहे थे, और यही कारण था कि दोनों जगह पेपर अलग अलग कराया गया। कि हाँ, ये बात हकीकत है कि ये पेपर थोड़ा सा हार्ड था और लड़कियों का पेपर थोड़ा सा मॉडरेट था, ये नहीं कह सकते बिल्कुल ईजी था, ईजी तो कोई पेपर नहीं था, लड़कों का पेपर हार्ड था, हार्डेस्ट कह सकते हो उसको, लेकिन लड़कियों को मॉडरेट पेपर में कह सकते हो, लेकिन लड़कियों और लड़कों से कट ऑफ में कोई लेना देना नहीं है, उनकी कट ऑफ अलग बनेगी, वो अलग सीटों पे फाइट कर रही हैं और आप अलग सीटों पे फाइट कर रहे हो। तो साथियों, दूसरा एक अच्छी खबर हो सकती है आपके लिए, असम में बीएड को 1-5 में शामिल किया गया है, तो क्या बीपीएससी भी इन लड़कों को लेगी? अब देखो, लग तो ऐसा ही रहा है कि बीपीएससी को भी ये करना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्शन के दौर में ही पेपर कराया गया है, लेकिन अब देखते हैं आगे क्या होता है। बीएड वाले तो पेपर दिया ही है ना सबने, तो बीएड और बीटीसी दोनों की अब एक एक बिंदु पर सारी बात करता हूँ और आपको एक एक चीज़ क्लियर समझ में आएगी, और कट ऑफ बिल्कुल इतनी ही बताऊँगा जितनी जा सकती है, क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, इसके चक्कर में आपको मैं बता रहा हूँ। वैसे मैं इस पर वीडियो बनाता भी नहीं, क्योंकि मेरे ये लेवल का नहीं है, जब जैसे मैं पेपर दिया है तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि पेपर का अनुभव क्या रहा और कितनी कट ऑफ आपकी रह सकती है। ठीक है साथियों, तो आओ बात करते हैं इसकी कट ऑफ के ऊपर। देखो साथियों, इसकी कट ऑफ क्या रहेगी वो तो बाद की बात है, सबसे पहले मैं खुद का बताता हूँ मेरे मार्क्स कितने बन रहे हैं। जो 120 नंबर का पेपर था, पेपर टफ था, सबको मालूम है, लेकिन जो अब जो मेरे मैंने पेपर दिया, मेरा जो मार्क्स बन रहा है वो बन रहा है 80, लेकिन हाँ जब कट ऑफ मतलब वो आएगी ऑफिशियल आंसर की, उसमें 2-4 नंबर बढ़ जाएंगे, इससे कम नहीं होंगे। तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मेरे खुद के नंबर आपको मैंने सबसे पहले क्लियरिफाई कर दिए। दूसरा, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं साथियों, इन पर आपको समझना पड़ेगा, इससे आपकी कट ऑफ प्रभावित होगी निश्चित तौर पर, और ये हकीकत है, अगर इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं हटाई गई होती तो इसमें बच्चे ढूंढना मुश्किल पड़ जाता टॉर्च से भी, ठीक है अतुल प्रसाद जी को, इसलिए मैं नेगेटिव मार्किंग इसकी हटाई गई थी। पेपर का स्तर कठिन था, ये बिल्कुल सब जानते हैं, जिन्होंने पेपर दिया सबको मालूम है कठिन पेपर था, ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे कि नहीं साहब कंसेप्ट चला गया, भाई साहब 1-5 तक का लेवल है और ये लेवल इसका नहीं होता है, ठीक है, और जो क्वेश्चन आए हैं बहुत घुमा फिर के आए हैं। मैं तो रीजनिंग पे उम्मीद थी लोगों को बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन वो भी अच्छा नहीं हुआ, उसमें भी कंसेप्चुअल हो गया, उसमें भी घुमा घुमा के क्वेश्चन दिए गए। दूसरा, परीक्षा में प्रेजेंट कितने लाए? परीक्षा में बीपीएससी के हिसाब से 70% लोग उपस्थित रहे, और 8 लाख का 70% लगाओगे, पूरा 8 लाख लगा दिया है, 8 लाख होंगे भी नहीं, तो लगभग 5,60,000 विद्यार्थी बैठते हैं जो उपस्थित रहे। पीआरटी की बात कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ, और किसी की बात नहीं कर रहा हूँ। 5,60,000 तो बहुत ज़्यादा बड़ा आंकड़ा नहीं है, लेकिन 5,60,000 में भी थोड़ा सा है, इसमें आपको इंतजार करो और ये देखो 5,60,000 में क्या क्या चीज़ें हैं। अभी सी टेट का पेपर एपीयर वालों को भराया गया था इस बार, क्योंकि सी टेट जो भी है, जो जो पेपर देगा अगस्त में, वो भी इसमें फॉर्म फिल कर सकता था बीपीएससी में। तो इस बार का जो सी टेट का पेपर है वो भी साथियों कठिन रहा है, तो बहुत सारे साथी इसमें भी नहीं हो पाया, तो इस भर्ती से अच्छे नंबर लाने के बावजूद भी, मतलब बीपीएससी में अच्छे नंबर ले आए और सी टेट क्वालिफाई नहीं हो, तो वो भी गायब हो गए यहाँ से, ठीक है, एक नंबर बात। दूसरा, बीएड वर्सेस बीटीसी का मामला, अब देखो फाइनल रिजल्ट
अब देखो बीएड का इन्होंने कहा है कि हम रोक के रखेंगे, अब देखो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं अभी तो बाद में बताएंगे, लेकिन बीएड वर्सेस बीटीसी का मामला भी है। बीटीसी को डीएलएड भी कहते हैं, जीबीटी भी बोलते हैं, हर राज्य में अलग अलग बोलते हैं। जैसे उसमें बिहार में आपका डीएलएड बोलते हैं या बीटीसी बोलते हैं कई जगह, तो इसका मामला है अगर बीएड को नहीं लिया तो क्या होगा और बीटीसी को लिया तो क्या होगा। दूसरा, परीक्षा में जो तैयारी का समय बहुत ज़्यादा कम मिला, ये भी एक बड़ा कारण है कि इसमें बच्चों की तैयारी बहुत अच्छी नहीं हो पाई जितनी तैयारी होनी चाहिए थी, अन्यथा की स्थिति में तैयारी हो जाती है। अब देखो इसकी अब इन बिंदुओं के आधार पर, दूसरा एक प्लस पॉइंट ये हो सकता है कि अच्छे नंबर थोड़े बहुत दो चार नंबर इसलिए बढ़ सकते हैं कि आपका जो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, लेकिन नेगेटिव मार्किंग नहीं होती तो फिर भी साथियों कह रहा हूँ कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, होती तो आपको लाले पड़ जाते इस भर्ती को पूरा कराने में। जो जैसे अतुल प्रसाद जी बोल रहे थे कि हम 75% सीट भरेंगे, तो 75% के 50% सीट भी भर के दिखा देते वो, ठीक है, अगर इसमें नेगेटिव मार्किंग होती, क्योंकि बच्चे मिलते ही नहीं आपको किसी भी कीमत पर नहीं मिलते, इतना कठिन पेपर आपने बना दिया है। दूसरा साथियों अब देखते हैं इसका आगे, अब फाइनल कट ऑफ की बात करते हैं, फाइनल कट ऑफ ये कितने रहेगा। देखो मैंने जैसे बताया मेल का फाइनल कट ऑफ अलग बनेगा, फीमेल का अलग बनेगा, वो तो फाइनल कट ऑफ। अगर जनरल, देखो कुछ लोग ये परेशान है कि अदर स्टेट का क्या होगा, तो यहीं पर समझ लो कि जैसे जनरल है, अगर जनरल में आपके अदर स्टेट के भी हो या तुम बिहार के हो या किसी स्टेट के हो, ठीक है, चाहे झारखंड हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, किसी भी स्टेट के हो, तो आपको 63 से लेकर 68 नंबर अगर बीच में हैं, 63 से लेकर 68 के नंबर के बीच में हैं, तो आप एकदम सेफ हैं, नौकरी मिल जाएगी आपको। अब आप कहोगे इतनी हाई कट ऑफ जा सकती है, हाई बता रहा हूँ सबसे मैक्सिमम, इससे कट ऑफ कम रहेगी, 63 से भी कट ऑफ कम रह सकती है, लगा लो सब 60 पे भी रह सकती है कट ऑफ, लेकिन ये कट ऑफ मैक्सिमम बता के चल रहा हूँ, इससे ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगी, ये मैक्सिमम कट ऑफ है, इससे नीचे ही कट ऑफ रहेगी, इससे ऊपर नहीं जाएगी। अगर इतने नंबर हैं, एक दो नंबर कम भी है तब भी मान के चलो हो जाएगा आपका सिलेक्शन। दूसरा ओबीसी का 60 से लेकर 65, ठीक है, ईबीसी का 50 से लेकर 55, एससी का 46 से लेकर 48, ये मैक्सिमम कट ऑफ बता रहा हूँ, फिर दोबारा सुन लो, आप ये कहोगे कट ऑफ ज़्यादा बता दिया आपने कथन पेपर के हिसाब से, नहीं, ये मैक्सिमम कट ऑफ बता रहा हूँ, कट ऑफ इससे नीचे ही रहेगा, इससे ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगा। अगला देखो, अगला है तुम्हारा एससी का, हो गया एसटी का कट ऑफ 42 से लेकर 45, लड़कों की बात कर रहा हूँ, ईडब्ल्यूएस का 50 से 52, क्योंकि ईडब्ल्यूएस के भी बहुत ज़्यादा नहीं मिलते। पीएच मैक्सिमम कट ऑफ अगर 42 नंबर है आपका सिलेक्शन हो जाएगा, फ्रीडम फाइटर का मैक्सिमम 40 नंबर पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब आते हैं लड़कियों की बात करते हैं, ये होगी लड़कों की बात, लड़कों की इतनी कट ऑफ रहेगी और लड़कियों की कट ऑफ थोड़ी सी इसमें अंतर रहेगा। अब देखो लड़कियों की बात करें, चाहे लड़कियां बिहार की हों चाहे अदर स्टेट की हों, आपकी जनरल में 55 से लेकर 60 नंबर बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। दूसरा ओबीसी लड़कियों के लिए 53 से लेकर 55, ईबीसी का 45 से लेकर 50, मतलब लड़कियों के लिए, एससी लड़कियों के लिए 40 से लेकर 44, एसटी लड़कियों के लिए 30 से लेकर 40, और तुम्हारा ईडब्ल्यूएस के लिए जो लड़कियां हैं 45 से लेकर 47 नंबर तक बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब दो कैटेगरी और रह गई हैं, अगर लड़कियों में आपकी जो पीएच हैं उनकी 40 नंबर हैं तो कट ऑफ आपका नंबर बन जाएगा, और तुम्हारी फ्रीडम फाइटर हैं तो 38 नंबर हैं तो आपका फाइनल कट ऑफ हो जाएगा। अब देखो चीज़ें, ये मैंने सारी कट ऑफ बता दी, इसके इर्द गिर्द हो और घूम रहे हो तो आपकी कट ऑफ हो जाएगी, लेकिन साथियों एक इसमें पॉइंट है, ये कट ऑफ बेसिस पे है बीएड और बीटीसी दोनों सम्मिलित हैं तब। दोबारा सुनो, ये कट ऑफ जब है, जब बीएड और बीटीसी दोनों सम्मिलित हैं तब ये कट ऑफ बनेगी। अगर बीएड को बाहर कर दिया जाता है तो कट ऑफ में ये जो बताई है मैंने इसमें 5-5 नंबर और कम कर लेना, ठीक है साथियों, इसमें कितना, अगर बीएड बाहर हो गया तो 5 नंबर आप खुद की हर कैटेगरी में कम कर लेना, इतनी कट ऑफ जाएगी। अगर बीएड वर्सेस बीटीसी दोनों शामिल हैं बीएड बीटीसी तब ये कट ऑफ रहेगी, और सिर्फ बीटीसी रहेगा तो 5-5 नंबर अपने आप कम करते जाना, आपकी जॉब निश्चित लग जाएगी, ठीक है साथियों। और पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और साथियों वीडियो को लाइक शेयर कर दो, ज़्यादा दूरी तक पहुँचाओ इस वीडियो को, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके अवश्य रखो, ठीक है साथियों, धन्यवाद।